हेलो दोस्तों मेरा नाम है स्नेस बार आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं तो फिर हम इस वीडियो लेक्चर में जो कि पढ़ाई किए थे पिछला वीडियो में जो कि नेगेटिव ओपन लूप क्लोज सिस्टम उसके बाद क्लोज लूप आ, क्लोज लूप सिस्टम ठीक है उस सभी का बारे में हम पिछला वीडियो में डिस्कस करे थे क्लोज लूप सिस्टम में क्या होता है नेगेटिव फीडबैक या फिर फीडबैक एक एलिमेंट होता है जिससे हमको क्या पता चलता है कि फ़ीडबैक यूजुअली किससे रखते हैं मींस एरर डिटेक्शन के लिए हम यूजुअली फीडबैक का यूटिलाइजेशन करते हैं ठीक है तो फिर मैं हूँ आपका स्नियासिस पार्टी फिर से जो कि ये सिग्नल ग्राफ है जो कि हम ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन यूजअली कैसे करते हैं वो भी इधर सिग्निफाई हुआ है तो इधर देख सकते हो इफ़ेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक नेगेटिव फीडबैक का यूजुअली इफेक्ट क्या होता है पहला है इफ़ेक्ट ऑफ पैरामीटर वेरिएशन रिड्यूसेस ठीक है इफेक्ट ऑफ पैरामीटर वेरिएशन यूजुअली रिड्यूस फ्रॉम दिस नेगेटिव फीडबैक दूसरा है द गेन ऑफ सिस्टम रेड्यूस बाय फैक्टर वन प्लस जी एच ठीक है दूसरा क्या है गेन यूजुअली रिड्यूस हो जाता है जो कि वन प्लस जी एच से ठीक है वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए तीसरा है द बैंडविड ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस क्या है तीसरा द बैंडविड ऑफ द सिस्टम यूजुअली इंक्रीजेस फ्रॉम नेगेटिव फीडबैक से वो यूजुअली इंक्रीज होता है ठीक है एंड चौथा है इफेक्ट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस रिड्यूसेस ठीक है चौथा क्या है इफेक्ट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस रिड्यूसेस मीन्स हमको क्या नोट में यूजुअली रखना है पहला है एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेडरी इन पॉजिटिव फीडबैक वी हैव ऑलवेज अनस्टेबल सिस्टम दूसरा है क्लोज लूप सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली ये दोनों हम रखने से या फिर नोट यूजुअली हम मेंशन करेंगे यूजुअली पहला है क्या है एक्सपेक्टेड ऑसिलेटर इज इन पॉजिटिव फीडबैक एंड वी हैव ऑलवेज अनस्टेबल सिस्टम ठीक है तो दूसरा क्या है क्लोज लूप सिस्टम है क्लोज लूप सिस्टम इज़ कॉम्प्लेक्स एंड वेरी वेरी कॉस्टली क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं फीडबैक यूटिलाइजेशन होता है तो फिर हम उससे क्या हमको पता चलता है कॉस्ट इज वेरी वेरी हाई ठीक है एंड द पॉइंट इज कंपेरिजन बिटवीन सभी स्टूडेंट को यही पता है मीन एग्जाम में कंपेयर क्लोज लुप सिस्टम एज वेल एज ओपन लुप सिस्टम यूजुअल क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है ठीक है तो फिर इसीलिए मैं आपको इधर इस वीडियो में आपको बता दूंगा यूजुअली क्लोज लूप सिस्टम एंड ओपन लूप सिस्टम क्या क्या है अगर देखेंगे तो क्लोज लूप या फिर ओपन लूप या फिर क्लोज ओपन लूप सिस्टम क्लोज लूप सिस्टम पहला है ओपन लूप सिस्टम ओपन होता है फीडबैक नहीं रहता है तो फिर इसीलिए हमको किससे हमको देना लेना देना है फर्स्ट है कैलिब्रेशन दूसरा है एक्यूरेसी कैलिब्रेशन ज़्यादा है एक्यूरेसी होगा या फिर नहीं होगा कैलिब्रेशन कम है एक्यूरेसी कितना होगा वही हमारा क्वेश्चन है ठीक है अगर देखेंगे तो फिर इधर हमको पता चल गया कि सो लॉन्ग एज द कैलिब्रेशन इज़ गुड ठीक है अगर कैलिब्रेशन बहुत अच्छा है वेरी वेरी हाई है तो फिर ओपन लूप इज़ एक्यूरेट ठीक है हमको क्या पता चलता है अगर कैलिब्रेशन अच्छा है तो ओपन लूप का एक्यूरेसी भी बहुत अच्छा होगा ठीक है अगर देखेंगे नेक्स्ट नंबर पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन इज सिंपल एंड इजी टू कंस्ट्रक्ट जैसे कि हम जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द कंटेंट या फिर इन द इन इन द ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेनेशन वो क्या है वेरी वेरी ऑर्गेनाइज है ठीक है वो ऑर्गेनाइजेशन वेरी सिंपल है एंड इजी टू कंस्ट्रक्ट है थर्ड नंबर पॉइंट यूजुअली क्या हमको सिग्निफाई करता है जनरली स्टेबल इन ऑपरेशन वो क्या है स्टेबल है ऑपरेशन के लिए इफ नॉन लीनियरिटी इज प्रेजेंट सिस्टम ऑपरेशन डीजेनरेट ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉन लीनियरिटी में डीजेनरेट्स होता है किसमें वो है ओपन लूप सिस्टम में ठीक है उसके बाद क्लोज लूप सिस्टम में अगर चले जाएंगे तो फिर क्लोज लूप सिस्टम में यूजुअली क्या होता है ड्यू टू फीडबैक द क्लोज लूप सिस्टम इज़ मोर एक्यूरेट ठीक है फीडबैक के वजह से वो हमको क्या होता है फीडबैक के वजह से ओपन लूप क्लोज या फिर क्लोज लूप सिस्टम में एक्यूरेसी बहुत ही होता है कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट जैसे कि हम जानते हैं नोट में भी पढ़ाई किए थे कॉस्टली ठीक है तो उसी के दौरान हम वो क्या होता है कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफ़िकल्ट इन कंस्ट्रक्शन स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन सिस्टम कंपोनेंट्स ठीक है स्टेबिलिटी किसके बारे किसके ऊपर डिपेंड होता है सिस्टम कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड होता है कंपेरेटिवली द परफॉर्मेंस इज बेटर देन ओपन लूप सिस्टम इफ नॉन लीनियरिटी इज प्रेजेंट लीनियरिटी अगर प्रेजेंट है तो डिजेनरेट हो गया लेकिन अब जब हम क्लोज लूप सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे लीनियरिटी कंडीशन में वो क्या होगा परफॉर्मेंस बेटर रहेगा इन कंपेरिजन विथ ओपन लूप सिस्टम ठीक है तो फिर आशा है कि आप ज़रूर देख I mean, समझ गए होंगे क्लोज लूप सिस्टम ओपन लूप सिस्टम का कंपैरिजन कंपैरिजन बिटवीन दैट एंड द नेक्स्ट वीडियो मेरा बनेगा जो कि है मैथमेटिकल मॉडलिंग ठीक है मैथमेटिकल मॉडलिंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्योंकि हर एक चीज़ मैथमेटिकली हमको डिराइव करना है अगर मैथमेटिकल आप सभी को पता होगा कि मैथमेटिक्स का इंक्लूजन यूजली होगा तो आपको रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि एक बार डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला एक बार देख लीजिए उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ सिस्टम्स कंट्रोल सिस्टम्स ठीक है ठीक है ना तो फिर आशा है कि मैं अंत में यही बोलूँगा कि mission eyes land with integrity and educational platform online as well as offline if someone wants to contribute for the education of poor children just contribute to the below link which have uh, which I have placed in the description box so I hope that you will definitely do for the educating for educating not only your child who is much more educating than all of them but still your uh, your contribution will definitely help the poor children to have their education in every aspect of their life and will have a fruitful career in their future so i hope that you will definitely do that without missing the video at the at the end i usually say this but at the, in some of the videos i have said in the present but still i used to prefer in the last because most of the uh, members who not even watch till last but still i want to say you all this and i hope that you will have enjoyed the session thank you thank, thanks a lot